ये देखिए गाड़ी का शीशा, ये देखिए, 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 ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये देखिए गाड़ियाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हट जा भैया, हट जा सामने सामने, ये देखिए हमला, ये हमला देखिए, ये हमला देखिए, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये हमला देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए हमला, ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है, ये गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है, ये देखिए गाड़ी का एक्सीडेंट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ईटा पत्थर चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। करहल में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले के बाद यूपी की सियासी गर्मी अब चरम पर है। जैसे जैसे अलग अलग चरणों में मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरह नेताओं के भड़काऊ भाषण का नतीजा अब सड़क पर जंग की शक्ल ले रहा है। प्रत्याशियों पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक पक्ष के समर्थक दूसरे पक्ष के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ईंट पत्थर हमला कर रहे हैं। खराब कर ले रहे हैं, ये बात मारते हैं आप सबके, आपके आदमी बहुत बेवकूफ आदमी है, झगड़ा कर ले रहे हैं। अरे गाड़ी निकाले, ए हई का हई लल में भे बन तू, ये दिमाग फेंका हूँ लड़का फेंका हूँ, ये कुल कर बो पीटल चालू करो भैया, अरे चलो रैली निकलो आराम से जाए, सबके खत्म चल निकल, चल निकल अरे निकालिए भैया, अरे यार के हो है हैंड ब्रेक पर छोड़ा का हैंडल में घुमाइबो, लाख हो जाए भैया, लाख हो जाएगी, हमने वो ढकल ली थी, बस बोला बोला रे भैया कुछ मत करो, चलो यार हो गया, ए ए कहां गाड़ी वाले कहां गए भैया, चलो चलो दरअसल हमले का ये वीडियो यूपी के कुशीनगर जिले के खलवा पट्टी गांव का है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया गया। इस मामले का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगा है, क्योंकि हमला करने वाले लोगों के हाथों में बीजेपी का झंडा साफ साफ
तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस हमले के बाद सपा कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। वहीं हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला भाजपा की हताशा का प्रतीक है। कुशीनगर में निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोगों ने मेरे ऊपर और काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला कर दिया। बुरी तरह से तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला भी किया गया। ये हमला भाजपा की हताशा का प्रतीक है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोकतंत्र को लाठी डंडे, कट्टे और हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो कि फिलहाल बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने खुद अपने पिता पर हुए हमले की निंदा की और बीजेपी को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अब हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। ये हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का आरोप बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थकों पर लगा है। इस हमले में 1 दर्जन से अधिक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, कई सपा समर्थक भी घायल हुए हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विवाद को लेकर बीजेपी के 18 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।